जीवन तुम क्यों बीत रहे हो व्यर्थ अनर्थ सी बातों में, कर्तव्यों से खिरा हुआ सा मुक्ति की आशा क्यों करता कोई। एक धुन सा जीता रहा हूं, गीत ना बन पाया कोई। इस जीवन की गाथा यही, प्रेम मिला या ताजा कोई, रचयिता भी इस रचना को दे ना सका अलंकार कोई। जानते कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये जो भी है ठीक नहीं है। आप जो कह रही हैं वो महसूस नहीं कर रही, और जो महसूस कर रही हैं स्वीकार कर लीजिए उसे। प्रेम है हम मालवा के विनाश से, आपके कुल के सर्वनाश से। मित्रता और शांति का ये विचार अपने मन से त्याग दीजिए पृथ्वी वल्लभ, वरना शांति आपकी आत्मा को भी नहीं मिलेगी। राजकुमारी, हम जानते हैं तुम यहाँ क्या कहने आई हो सुलोचना। पृथ्वी वल्लभ के बारे में तुमने कई बार बात की है, कभी खुलकर तो कभी मौन रहकर। तुम्हारा आशय समझते हैं हम, सोच और सच के बीच की ये दूरी इतनी आसानी से दूर नहीं है। राजकुमारी, आज हम पृथ्वी वल्लभ की नहीं बल्कि आपकी बात करने आए। अगर आपकी आज्ञा हो तो हमारी बात क्या कहो। हमने कब मना किया है तुम्हें कुछ कहने से, किंतु अपने दायरे। राजकुमारी, हमें भय है कि आप जिस प्रतिशोध की ज्वाला को अपने अंदर बरसों से पालती आई, वहीं वो आपके संयम, आपकी शांति, आपकी मेधा स्वयं आपकी आहुति ना ले ले। और यदि ऐसा हुआ तो ग्लानि का ऐसा सैलाब आएगा कि फिर प्रायश्चित नहीं हो पाएगा। हम तो आपके पास होंगे, किंतु आप किसी के पास नहीं होंगे। क्षमा कीजिए राजकुमारी, लेकिन हमारी ये चिंता, हमारा ये भय, हमारा आपके प्रति दायित्व हमसे कह रहा है कि हम आपको आगाह करें। आपके इस कठोर कवच के अंदर एक
एक कोमल सा मन, बेहद भावुक और संवेदनशील, लेकिन इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि कहीं आपका यह कठोर कवच आपके उस नाजुक से मन को कंठित ना कर दे। ये अच्छे संकेत नहीं है, कहीं आपका आज का प्रतिशोध कल को आपको अकेला ना कर दे। आप जिन लोगों के लिए अपना सर्वस्व खोने को तैयार हैं, अगर वही आपको खोना चाहे तो, अगर वही आपके विरुद्ध हो गए तो, क्षमा कीजिए राजकुमारी, ये हमारी आशंका है और हम प्रार्थना करेंगे कि ये आशंका यथार्थ ना हो, किंतु सावधान तो रहना होगा अपने अंदर के शत्रु से। और शत्रुता का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यही है कि ये मन के अंदर शत्रु बिठा देता है। मनन कीजिएगा, कह दीजिए चलते। मान्यखेट वासियों, पृथ्वी वल्लभ ने जो प्रतिमा बनाकर अपने दुस्साहस का परिचय दिया है, उसके लिए मान्यखेट के संविधान के अनुसार उसे मृत्यु दंड देना तय हुआ है। आप सबको ज्ञात है, इसने मान्यखेट की परंपरा का परिहास करने की कोशिश की है, किंतु मान्यखेट की उसी परंपरा का मान रखते हुए इसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी। इसके अंतिम अनुरोध को पूर्ण करने के लिए राजकुमारी मृणाल पृथ्वी वल्लभ को फांसी का फंदा पहनाएंगी। अकाब दंड की प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए। आपकी और मेरी मंजिल एक ही है राजकुमारी। आज ही पहचान हुई है हमारी, नए नए मित्र हैं, लेकिन आप चाहें तो अपना दर्द बांट सकती हैं मेरे साथ।
से लागी तो से नजरिया नजरिया जब से लागी तो से नजरिया जागो सारी सारी रहना चुराए मोरे चैना तोर नैना चुराए मोरे चैना
गिरा दे तेरे पास जितने अश्क है ऐ घटाएं। ये प्यास किसी के मिलने से बुझेगी, तेरे बरसने से नहीं। मेरे रक्त से तेरा नाम इश्क लिखा दे, मेरी मौत तुझे प्रेम करना सिखा दे, जीना पूरा जीना मित्र। देखिए अक्का, सुलोचना संभालो इन्हें। घनघोर अनर्थ हो गया, सचमुच कलयुग आ गया। सरेआम चुंबन, हे वरादेव, अब कौन करेगा इस राजकुमारी से विवाह? सुना था महल की दीवार के पीछे गंदगी होती है, आज देख भी लिया। किसने कहा ये? किसने कहा ये? अगर साहस है तो हमारे सामने आके बोलो, सामने आओ और कहो। सैनिकों, पृथ्वी वल्लभ के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। रुक जाओ, रुक जाओ। Thank you.
ध्वज के सिर पर आक्रमण कर मान्यखेट ने अपने काल को आमंत्रित किया है। कौन गजकेसरी, कहाँ का गजकेसरी, आप कौन है? हमारे व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अपने इतने सारे प्रश्नों के साथ ही अपने सर्वनाश का भी प्रबंध कर लेते लभराज। अपनों के ही रक्त से अपना अभिषेक करेगा मान्यखेट। शांत है लभराज। क्षमा करें पंथ श्रेष्ठ, क्षमा करें। अज्ञानतावश हुई इस भूल को क्षमा करें। हम मान्यखेट की ओर से आपसे निवेदन करते हैं। आचार्य, इस राज्य में कुलाचार, सदाचार, नैतिकता और जीवन मूल्यों की बलि चढ़ा दी गई है। पंथ श्रेष्ठ, आपका क्रोध उचित है, लेकिन इस क्रोध के कारण हुआ विलंब पृथ्वी वल्लभ के उपचार के लिए उचित नहीं है। आपसे मेरी विनती है कि गज के श्री को शीघ्र से शीघ्र हमारे साथ ले चले। मैं राजवैद्य को अभी सूचित करता हूं। क्षमा कीजिए गुरु आदित्य, हम अपने अपराधी को इनके संग नहीं जाने दे सकते। उन्होंने मान्यखेट की राजकुमारी की अस्मिता पर प्रहार किया है। वो मृत्यु दंड का पात्र है, उपचार का नहीं। मान्यखेट उसे शरण नहीं देखा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपकी मति भ्रष्ट हो गई है तैलपराज। पृथ्वी वल्लभ को मृत्यु दंड देने जा रहे थे। यदि मान्यखेट उपचार नहीं करना चाहता तो ना करे। भारतवर्ष में और भी अन्य राज्य हैं। पंत श्रेष्ठ, अगर यह भूल मान्यखेट से हुई है तो गजकेसरी का उपचार भी मान्यखेट में ही होगा। गुरु आदित्य, अगर उपचार होगा तो एक कैदी की तरह, क्योंकि पृथ्वी वल्लभ यहां से जीवित तो जा नहीं सकता। हिमराज के रहते मृत्यु तुम उसे दे नहीं सकते। आप चिंता मत कीजिए अका, मेरी तरफ देखिए ना अका, पृथ्वी की मृत्यु हो चुकी है, एक इतिहास बन चुका है। आपने अका, आपने अपने सबसे बड़े शत्रु पे विजय प्राप्त कर ली। शत्रु ने एक नया घाव दे दिया है तलम। आपको कुरेदने से दर्द पड़ता है का। आप विश्राम कीजिए का, आपको विश्राम की आवश्यकता है। हम सुलोचना से कह देंगे कि किसी को कक्ष में प्रवेश ना करने दें, स्वयं आपकी सेवा करें। सुलोचना, सुलोचना,
सारे द्वार बंद कर दो। जब तक अक्का ना कहे किसी को अंदर नहीं आने देना। इन्हें आराम करने दीजिए, आप आराम कीजिए अक्का, हम हिमराज को मिलकर आते हैं। ओम होम जूम सह ओम भूर भुवस्वः ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम भूर भुवस्वः। किया है, मृत्यु किसी भी वक्त उन्हें अपने आगोश में ले सकती है। हे वराधेव, जिसे दी खुदाई तूने, उस पे सितम तो ना कर, मत छीन जिंदगी की मिसाल, थोड़ा रहम तो कर। परेशान ना हो कोशा, पृथ्वी का उपचार चल रहा है, पता नहीं क्या होगा। मौसी बदनसीबी राजकुमारी मृणाल की है, जिसे अपनी जान बनाना चाहिए उसी की जान लेने चली गई। वो कब समझेंगी पृथ्वी वल्लभ का प्रेम? वो दोषी राजकुमारी नहीं, पृथ्वी है। उनका ये कदम राजकुमारी को समाज में अस्पृश्य बना सकता है। ऐसा क्या किया है पृथ्वी वल्लभ ने? पृथ्वी ने हंसी के पहले राजकुमारी का चुंबन लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके विशेष अधिकारों के प्रयोग से मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप किससे शत्रुता करते हैं, किससे मित्रता करते हैं, यह आपका व्यक्तिगत निर्णय है और इसका आपको पूर्ण अधिकार है। किंतु एक बात का ध्यान रहे तैलबराज, पृथ्वी गज केसरी है। उसे बंदी बनाकर रखना या स्वतंत्र करना आपका अधिकार है, पर उसकी हत्या का दुस्साहस मान्यखेट के लिए श्राप बन जाएगा, मिटा देगा मान्यखेट को भारतवर्ष के मानचित्र से। और पृथ्वी ने जो किया उसका घाव लेकर मान्यखेट जीवन पर्यंत जीता रहेगा। कौन विवाह करेगा राजकुमारी से? कितनी उंगलियां उठेंगी राज परिवार पर, न जाने लोग क्या क्या कहेंगे। चरित्रहीन विक्रमजीत,
अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करें, व्यर्थ की बातें बिल्कुल ना करें। गजकेसरी एक मनुष्य है, दुर्बलताएं भी होंगी, मृत्यु भी निश्चित है, किंतु अनैतिकता नहीं होगी। गजकेसरी का उद्देश्य सदैव महान होता है, और ऐसे नैतिक चरित्र के साथ कोई छल करके उसकी हत्या की कोशिश या हत्या कर दे, उसका विनाश निश्चित है। पृथ्वी का लक्ष्य महान है, और समय आने पर मैं स्वयं उसे उसके उत्तरदायित्व से परिचित करवाऊंगा। पृथ्वी के स्वस्थ होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। केवल इतना बताना चाहूंगा कि जब जब गज केसरी पृथ्वी वल्लभ पर मृत्यु का संकट मंडराएगा, मैं हिमराज अवश्य उपस्थित होऊंगा। मेरा कार्य संपन्न हुआ, कल्याण हो। क्षमा कीजिए महारानी, किंतु तैलप राज का आदेश है कि जब तक राजकुमारी मृणाल स्वयं किसी से मिलना ना चाहे, उन्हें एकांत में रहने दिया जाए। राजकुमारी मृणाल के साथ मेरा भी कुछ संबंध है, और ऐसी परिस्थिति में परिवार का साथ होना अनिवार्य होता है। तुम मुझे मेरे दायित्व से विमुख होने के लिए कह रही हो? हम आपके संबंध के बीच में नहीं आ रहे, ना ही दायित्व निर्वहन में बाधा बनना चाहते हैं। तो मुझे अंदर जाना दो। एक क्षण, आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। महारानी जक्कला आपसे मिलना चाहती है। महल वही है, दरो दीवार वही है, झरोखों से लिपटे रेशमी वस्त्र वही है, पर अफसोस, अफसोस अब कोई पर्दा ही नहीं रहा। इसके पहले सा वो नूर, वो तेज नहीं रहा, और रहेगा भी कैसे? मानिकेट के स्वर्णिम निष्कलंक अतीत पर वर्तमान ने ऐसा कालिक पोता है जो मिटाए नहीं मिटेगा पीढ़ी दर पीढ़ियों तक। एक कुमारी राजकुमारी का उसकी प्रजा के समक्ष राग लग गया है। रानी चकला, ना तो ये कालिक है और ना ही दाग। ओह, कदाचित आपको आभास नहीं है अभी, किंतु उसने ऐसा घाव दिया है कि जख्म भर भी गए, निशान तो रह जाएगा, और वो निशान जीवन पर्यंत उस खाओ की याद दिलाता रहेगा। ऐसे अपराध का विश्लेषण करते हुए उसे विभत्स बनाना तो आप जैसी स्त्रियों का मनपसंद कार्य होता है। राजकुमारी,
आप तो व्यर्थ हैं, हम पर क्रोधित हो रही है। हमने तो वही पूछा जो चालुक्य वंश का इतिहास पूछेगा, समाज पूछेगा। सत्ता और समाज सोच का प्रतिबिंब होते हैं महारानी चक्र। इस चुंबन से कलंक को जोड़ना आपका बनाया बिंब है, जिस कार्य पर हमारा कोई अधिकार ही नहीं उसके लिए इतिहास हमसे उत्तर क्यों मांगेगा। इतिहास किसी को छोड़ता भी नहीं राजकुमारी मृणाल।